परशुराम कामड़े, मैं रहता हूँ दुआ में और मैं रिपब्लिकन सेना कड़वा मुमरा विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ और मेरी उम्र है 40 और ये वॉटसन रिसर्च सेंटर जिसके बारे में मैंने जो आंदोलन छेड़ा है और इसके लिए मैं आमरण उपोषण के लिए बैठा हूँ। मैं ये जो वॉटसन रिसर्च सेंटर है इसमें बहुत से घोटाले हैं और इसमें जो जो भी मुद्दे हैं मैंने ये सब नियमावली में दिया था और ये नियमावली में मुद्दे ऐसे है कि मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी इसका इन्फॉर्म किया था कि यह बहुत गैरकानूनी चल रहा है, इसके बारे में आप इनको रोको। लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन ने जो सीनियर है संजय करे उन्होंने उनको मैंने बोला था, निवेदन दिया था, वो निवेदन पढ़ने के बाद उन्होंने वो आदमी को बुलाया, उनके डायरेक्टर को बुलाने के बाद डायरेक्टर वहाँ पे आया। आने के बाद मेरे से दो दिन के टाइम में उसने कुछ नहीं मेरे तो बताया और मेरे को कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया और मैंने ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट डिक्लेयर किया था मेरे जिला को और मेरे प्रेसिडेंट है जो मेरे नवीन मुंबई के जिला अध्यक्ष है उनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं ऑपरेशन में बैठ रहा हूँ। उन्होंने मेरे को कुछ डिक्लेरेशन दिया नहीं है, मैंने ऑपरेशन बैठना चालू कर रहा हूँ, इन लोग मेरे को गुमराह कर रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए मैंने मेरे सवाल के जवाब में ऐसे है कि तीन जवाब है। एक तो उन लोग जो वॉलंटियर बुलाते हैं वॉलंटियर के घर पे इन लोग इन्फॉर्म नहीं करते। दूसरी ऐसा है कि जो ब्लड लेते हैं गोली का रिसर्च करते हैं वो गोली का रिसर्च का सर्टिफिकेट उन लोग उसको नहीं देते। तो भाई कौन से गोली पे सर्टिफिकेट है, आज उनसे गोली पे तुम्हारा रिसर्च हो गया है, उनका सर्टिफिकेट दे दो ना। फिर उन्हें बाई चांस उनको बाहर कुछ भी प्रॉब्लम है कि वह कुछ ही उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम हुआ है तो फिर वो गोली पे उनको मालूम गिरा मांगता है कि भाई ये रिसर्च सेंटर पे ये गोली का रिसर्च हो गया है तो इसके बारे में सामने कौन से भी डॉक्टर को उनको आसान हो जाता है। और तीसरा मुद्दा ऐसा है कि लेडीज और जेंट्स का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। यहाँ जो वॉटसन रिसर्च सेंटर में लेडीज का भी स्टडी हो जाता है और जेंट्स का भी, उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग नहीं एक ही जगह पे होता है, खाली दिन भर एक ही जगह पे रहता है, बाद में नाइट में अलग अलग करते, दिन भर उनका वास्तव एक ही जगह पे रहता है। और वॉटसन रिसर्च सेंटर को मैंने कितने बार इन्फॉर्म और मैंने पत्र भी दिया था मेरा लेखीपूर्वक कि मैं ऐसा ऐसा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बोलते हैं सब गलत है। अरे ऐसा कैसा गलत होएगा, अगर फर्स्ट टाइम मैंने जो दिया है तो गलत कैसा होएगा, अगर गलत होता तो वो सीनियर पुलिस स्टेशन बोलता ना नहीं आपने गलत कर रहा है। उसके बारे में मेरे जो वरिष्ठ है मेरे जो ज्येष्ठ है इनसे भी पूछो कि इनको भी मैंने लेके गया था वो जगह पे और वही सब स्टेटमेंट है। तो ये मेरे को लगता है कि ये सीनियर स्थानीय पुलिस स्टेशन ने जो लेना है वो लिया है उनसे और मेरे को गुमराह कर रहे। यहाँ पे सीबीडी बेलापुर स्टेशन लगता है स्थानीय, मेरे को सीनियर बोलता है कि तुम्हारा जो मांगनी है वो पूरा किया है, लेकिन कहाँ से मेरे को मांगनी पूरा किया है तो मेरे को दे दो ना स्टेटमेंट, दो ना कंपनी का स्टेटमेंट दो, लिखा पड़े। वो बोलता है तुमको दे नहीं सकता है, तुमको नहीं देने का अलाउड नहीं है, हमको देने का अलाउड नहीं है। तो फिर मैं बैठता हूँ, फिर ठीक है मेरे को देने का अलाउड नहीं, मैं मेरा काम करता हूँ, उन्होंने का काम करने दो। मैं ऊपर तलक जाएगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम मैं बैठेगा अमरण उपोषण के लिए। यहाँ पे जब वॉलंटियर आते हैं, ये वॉलंटियर आने के बाद इन लोग है ना ऐसे फॉर्म भरते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे फॉर्म भरने के बाद उसका नॉमिनल लेते हैं, लेकिन नॉमिनल में उसमें है ना दोस्त लोग का नाम लिखा रहता है और उनके घर का एक ही आदमी का नाम, लेकिन घर के आदमी का नाम लिखा रहता है। तो घर के आदमी को इन्फॉर्म करना मांगता है उन्होंने कि तुम्हारा आदमी ये अगर सही बोल रहा है क्या, यहाँ पे आया है गोली का रिसर्च होता है तो यहाँ पे इन्फॉर्म करो ना कि तुम्हारा आदमी आया उसको कुछ हो गया तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी 24 घंटे के ऊपर से हो गए है और मैं बैठा हूँ तो इन लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन अभी तक मेरे यहाँ पे आए नहीं है और मैंने सबको पेपर दिया है
सबको मैंने जो भी देना है मेरा लेटर ऐड पे मैंने सब लिख के दिया है। हाँ, जो जो वैदिक तंत्र को दिया है सबको दिया है, महानगर पालिका को दिया है, यहाँ का परमिशन लिया है। और लेने के बाद भी स्थानिक पुलिस स्टेशन आज मेरे को कॉपरेट नहीं करते, मतलब स्थानिक पुलिस स्टेशन उससे मिले हुए।